नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नुस्खा टीवी में। दोस्तों, आज हम आपके साथ उपस्थित हैं एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें आपको किसी भी तरह के फंगल संक्रमण को दूर करने के घरेलू उपाय के विषय में जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, कवक या फफूंदी या फंगस, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो घर के बाहर और अंदर दोनों जगह पाए जाते हैं। कई तरह के कवक बिना कोई नुकसान पहुंचाए आपकी त्वचा पर सालों तक जीवित रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कवक के बढ़ने या बदलने का कारण बनते हैं और इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन का रूप लेने लगते हैं। ये संक्रमण त्वचा की सतह या अन्य क्षेत्र जो गर्म या नम रहते हैं वहाँ होता है। आमतौर से इस संक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं फंगल इन्फेक्शन या फंगल संक्रमण को दूर करने के घरेलू उपाय। जी हाँ, इसमें सबसे पहला उपाय है दही। फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स के गुण कवक को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि ये लगातार लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दही का इस्तेमाल तीन तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है, सबसे पहले दही में रुई को डालें और फिर इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगा लें। इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और फिर गर्म पानी से उस क्षेत्र को धो लें। जब तक संक्रमण साफ नहीं हो, तब तक पूरे दिन में इसे दो बार जरूर लगाएं। दूसरा तरीका है दोस्तों, योनि संक्रमण के दौरान टेम्पोन को दही में डुबोकर योनि में दो घंटे तक लगातार रखें। पूरे दिन में दो बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। तीसरा तरीका है, इसके साथ ही अपने रोजाना के आहार में दही का सेवन जरूर करें। जब तक संक्रमण चला नहीं जाता, तब तक दही को पूरे दिन में दो से तीन बार जरूर लगाएं। और दूसरा तरीका है दोस्तों, जैतून का तेल या जैतून की पत्तियां। जी हाँ, जैतून की पत्तियों में एंटीफंगल और एंटी माइक्रोबियल के गुण होते हैं जो कवक को ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और तेज़ी से सुधार भी करता है। दोस्तों, फंगल संक्रमण को दूर करने में जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल हम दो तरीकों से कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है, सबसे पहले कुछ जैतून की पत्तियों को मिक्स कर लें और फिर इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें। अब उस क्षेत्र को गर्म पानी से धो लें और फिर धीरे धीरे त्वचा को साफ करें। इस उपाय को पूरे दिन में एक या दो बार जरूर दोहराएं। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसके अलावा आप दो या तीन कप जैतून की पत्तियों की चाय को पी लें। इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक या दो चम्मच क्रस और सूखे जैतून की पत्तियों को 10 से 15 मिनट के लिए एक कप पानी में उबालने को रख दें। अब इस मिश्रण को छानकर इसको पी जाएं। तो ये था दोस्तों, किसी भी प्रकार के फंगल संक्रमण को दूर करने का अचूक उपाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, एक बार फिर मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।